नमस्कार, बिहार की आवाज में आपका स्वागत है। हम हाजिर हैं आपके सामने अभी तक की कुछ प्रमुख खबरों के साथ। खबर बिहार के समस्तीपुर से आ रही है, जहां गैंगरेप के नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं होने से आक्रोशित पीड़िता के परिवार वालों ने सोमवार 13 जुलाई 2020 को समाहरणालय समस्तीपुर के प्रांगण में सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन में शामिल लोग रोसरा डीएसपी तथा महिला थाना के थाना अध्यक्ष पर नामजद आरोपियों की मदद करने तथा उसे गिरफ्तार नहीं करने का आरोप लगा रहे थे। पीड़िता के पिता के द्वारा आरक्षी अधीक्षक समस्तीपुर को दिए गए आवेदन में कहा गया है कि महिला थाना की थाना अध्यक्ष तथा रोसड़ा डीएसपी के द्वारा उन्हें मामला को रफा दफा करने की बात कही जा रही है। विभूतिपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले पीड़िता के पिता ने बताया कि पिछले महीना में उनकी पुत्री को अकेला पाकर दर्ज प्राथमिकी के तीनों नामजद अभियुक्तों ने उनकी बेटी के साथ बारी बारी से गैंगरेप किया। जब इसकी शिकायत करने वाला विभूतिपुर थाना पहुंचे तो विभूतिपुर थाना के थाना अध्यक्ष ने उन्हें महिला थाना भेज दिया। महिला थाना में आवेदन दिया गया, जिसके बाद उनकी बेटी का मेडिकल भी कराया गया। आवेदन देने के एक महीना से ज्यादा बीत जाने के बाद भी तीनों नामजद अभियुक्तों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई है, जिसके कारण तीनों नामजद अभियुक्त प्रशासन को धत्ता बताते हुए आज भी छुट्टा घूम रहे हैं। इधर कुछ दिनों से नामजद अभियुक्तों के द्वारा उन्हें केस उठाने की धमकी दी जा रही है। केस नहीं उठाने पर उन्हें तथा उनके परिवार वालों को जान से मारने तथा घर में आग लगाने की धमकी भी दे रहे हैं। पीड़िता के पिता ने इस बाबत एक ज्ञापन आरक्षी अधीक्षक समस्तीपुर को उपलब्ध कराते हुए न्याय की गुहार लगाई है। आपको बता दें कि विगत महीना विभूतिपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में एक नाबालिग लड़की के साथ तीन लड़कों ने मिलकर उस समय गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया था, जिस समय वे लड़की अकेली थी। अभी तक के लिए बस इतना ही, कुछ देर बाद हम फिर हाजिर होते हैं कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक बने रहिए बिहार की आवाज के साथ। नमस्कार। देखिए, एक महीना एक रोज हो गया, हमारे लड़की साथ बलात्कार किया गया। हम युवती थाना गए थे, युवती थाना से यहाँ भेजे महिला थाना, महिला थाना से भी यहाँ से कुछ नहीं हो रहा। अभी तक कोई कागज नहीं मिला हमको, जो भी चेकअप वेकअप हुआ उसका कोई कागज नहीं दिया है, ना कोई केस हो रहा है, ना एक भी पुलिस जा रहा है वहाँ पे। लड़का लोग आजाद घूर रहा है, वो लोग और घर पे जाके गाली भी देता है, धमकी भी देता है मारने का। तो इसके लिए तो मामला घेराव किए हैं। इसको लेकर हम लोग आए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सैयद। मैं अंजारुल हक सहारा अधिवक्ता पटना हाई कोर्ट और अध्यक्ष वतन विकास संगठन। आज से एक महीना पहले विभूतिपुर थाना क्षेत्र के वो गरीब गांव में एक नाबालिग मुस्लिम लड़की के साथ गैंगरेप हुआ था, जिसमें तीन लोग, उसी गाँव का तीन लड़का नामजद अभियुक्त है, उसको आज तक पुलिस वालों ने पकड़ा नहीं। और लोग जीएसपी के पास भी गए, जीएसपी रोसड़ा के पास, महिला थाना की अध्यक्ष की आईओ हैं, ये लोग टाल मटोल की बात करते हैं। एक महीना बीत गया, अब तक कुछ नहीं हुआ। अब वहाँ के विधायक उन लोगों के साथ हैं, विधायक का क्या नाम है? राम बालक महतो। वो उनके पैरवी के कारण अभी तक किसी भी पार्टी के हों तो उनके पैरवी के कारण अभी तक मुद्दाला की गिरफ्तारी नहीं हुई है। मुद्दाला घूमा फिरता है, लड़की गरीब है, पसमानदा मुस्लिम है, उसको झोपड़ी का घर है, उसको और उसके माँ बाप को जान से मारने की धमकी मुद्दाला देते हैं। गांव के लोग जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं वो लोग देते हैं। आई लोग चाहते हैं कि उसको मार के ख़त्म करते हैं। आई पुलिस वाले के कान पर जूई नहीं देख रही है, उसी का विरोध प्रदर्शन करने हम लोग कलेक्टर के पास और एसपी साहब के पास आए हैं, ताकि जल्दी कार्रवाई हो, नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो, अन्यथा आमरण अनशन हम लोग एक हफ्ता के बाद से करेंगे। क्या नाम है सर? अंजारुल हक सहारा, अधिवक्ता और अध्यक्ष वतन विकास संगठन।